हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सअप पर ये जो मैसेज है ये कैसे पढ़ सकते हैं, जो मैसेज डिलीट हो गया है वो उसे कैसे पढ़ सकते हैं आप। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं एंड मैं आपको ज़्यादा बातें में नहीं उलझाऊँगा, मैं सिर्फ आपको करके दिखाऊँगा क्योंकि ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। मैं इसमें कोई फेक कुछ मतलब ऐसी ही कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये पहले ही कर लिया है तो इस वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला मोबाइल है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड ने भेजा है, जो रईस अहमद है, ये मेरा फ्रेंड है, इसने मुझे मैसेज भेजा था और वो मैंने देखा नहीं, डिलीट हो गया, उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप इस वाले मैसेज को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैक आना पड़ेगा एंड जब बैक आओगे आप अभी बैक आनी है, बैक ही आना है आपको एंड यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, मैं ये लिख देता हूँ आपको, ठीक है, मैंने ये लिख दिया एंड एंड में मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 ताकि आपको पता चले कि कौन सा मैसेज है। 1 2 3 ये नंबर है, ठीक है, ये मैंने सेंड कर दिया, ये वाला जो ये मैसेज, ये वाला फ़ोन है, ये वाला मेरा फ्रेंड का फ़ोन है, आप मान लीजिए कि ये एक फ्रेंड का है, ठीक है। अब उस फ्रेंड ने इस मैसेज को डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन, तो ये डिलीट हो गया मैसेज, ठीक है। अब ये वाला मेरा मोबाइल है, अब मैं इस पर जैसे ही व्हाट्सअप खोलूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज है ये डिलीट हो गया है। अब मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कोई सेटअप मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में हम सेटअप कर लेंगे आराम से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, इसको मैंने सेट किया है एंड अभी आप इसे नहीं चला पाऊँगे, पहले आपको सेट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर देखिए रईस अहमद नाम था ना, ये वाला ये मैसेज आ गया, न्यू डिलीटेड मैसेज फाउंड, इसको हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है ना 1 2 3 1 2 3, मैंने एंड में इसी नंबर इसी वजह से नंबर डाला था 1 2 3, और ये जो मैसेज है ये मैंने पहले ट्राई किया है तो इससे आप मत घबराइएगा, मैंने बहुत ट्राई किया है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये वाला मैसेज जो है मैंने अभी आपको बताया था ना 1 2 3, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड में 1 2 3, तो ये मैसेज मुझे दिख चुका है, ये वाला जो मैसेज था। तो ये मैंने कैसे किया और मैंने ये कहाँ से ऐप डाउनलोड किया, इसको मैंने कैसे सेव किया, तो चलिए अब चलते हैं मैं ऐप डाउनलोड के ऊपर। तो ये जो ऐप है मैं इसको पहले डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इसका नाम पढ़ लेता हूँ क्या है। पहले वैसे तो मैंने ये प्ले स्टोर पर वैसे ही कर रखा है यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों ये रहा, मैं इसको अनइंस्टॉल मार रहा हूँ ताकि मैं फिर से इसको मतलब नए का नया जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं ना फ़ोन में ऐसे चला सके था आपके लिए। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ एंड ये बिल्कुल मतलब 2-3 MB का है, आप इसे इंस्टॉल भी कर ही लोगे आराम के साथ, तो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड इस ऐप का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। चलिए ओपन कर लिया हमने, तो सबसे पहले तो हमें ये अपना मतलब फ्लैश स्क्रीन दिखाएगा एंड यहाँ पर हमें कुछ ऐड दिखाई देंगे, तो हमें ऐड तो देखनी है क्योंकि हमारा काम अटक रहा है, तो इसको हमें ऐड चलाएंगे। अब ये मांग रहा है हमसे परमिशन, सो गाइज हमें इसको एक्सेप्ट कर देना है एंड यहाँ पर हमें चूज़ करना है व्हाट्सअप। अगर आप व्हाट्सअप बिजनेस चलाते हैं तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, मैं अभी व्हाट्सअप ही दिखाऊँगा आपको। इसको कर देंगे हम ऐड। अब यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन पूछा है, जैसे हमारे व्हाट्सअप पर आते हैं ना नोटिफिकेशन मैसेज की, तो इसी पर भी ऐसी आ जाएगी जब कोई मैसेज आपको डिलीट कर देगा, आपका डिलीट मैसेज हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसको हम अलाउ कर देंगे। अब ये हमसे यहाँ पर हमें ये व्यू डिलीटेड मैसेज, इसको ओके कर देना है यहाँ पर नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन एक्सेस मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको कर देना है हमें बैक, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, बैक कर दिया। अब ये देखिए स्टार्टिंग हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से मैसेज भेजूँगा हाय सारे, तो ये मैंने भेज दिया मैसेज, देखिए यहाँ पर भी आ गया मेरा, लेकिन मैं इसका डिलीट मार दूँगा, डिलीट फॉर एवरीवन, ये हो गया डिलीट। तो यहाँ पर देखिए रईस अहमद इसी के नाम से ये मेरा व्हाट्सअप पर आया है, ये देखिए फ़ोटो दिख रहा है अभी, तो यहाँ पर रईस अहमद के नाम से डिटेक्ट कर लिया है इसने। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाय सारे, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ना हाय सारे, ये रहा हाय सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मज़ा भी आया होगा वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मतलब
अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो आगे को भी बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।